नारायण स्वामी बेबस है। टमाटर की फसल को पानी चाहिए, लेकिन पानी और पंप सेट होने के बावजूद वो सिंचाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि किसानों को अब 4 से 5 घंटे भी बिजली नहीं मिल पा रही। फसल बर्बाद होने के कगार पर है। सरकार ने 5 घंटे बिजली देने का वादा किया था, वो हमें कहाँ मिल रहा है। 1 या 1.5 घंटे की आपूर्ति भी मुश्किल से हो रही है। हर किसान दिन भर खेत में बिजली आने का इंतजार कर रहा है। बेंगलुरु के नजदीक कोलार में नारायण स्वामी बिजली संकट से उभरने की जद्दोजहद कर रहे हैं। इस साल कोलार के आसपास बारिश 20% ज्यादा हुई, लेकिन बिजली की कमी से पंप सेट्स बेकार पड़े हैं। कुछ ऐसा ही हाल राज्य के दूसरे इलाकों के किसानों का भी है। उत्तरी कर्नाटका के रायचूर में नाराज किसानों ने गुलबर्गा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड के दफ्तर को घेरने की कोशिश की, और विजयपुरा के लोग कर्नाटका बिजली बोर्ड के अधिकारियों को धमकाने के लिए मगरमच्छ लेकर पहुंच गए। कर्नाटका में रोज 1500 से 2000 मेगावाट बिजली की कमी है। खराब मॉनसून से पनबिजली का उत्पादन 2970 मेगा यूनिट कम हुआ, जबकि मुफ्त बिजली की वजह से इस साल मांग बढ़ी है। जहां पिछले साल बिजली की मांग अगस्त सितंबर महीने में 8000 से 8500 मेगावाट थी, वो इस साल बढ़कर 15000 से 16000 मेगावाट हो गई है। So one way 4-5000 megawatts. एक तरफ 4000 से 5000 मेगावाट उत्पादन कम हो गया है, दूसरी ओर मांग 6000 मेगावाट तक बढ़ गई है। सीएम ने 100 करोड़ रुपए की बिजली बाहर से खरीदने की अनुमति दे दी है। 100 करोड़ रुपीस वर्थ ऑफ पावर टू बी परचेज्ड। बिजली की खपत अचानक बढ़ी है, इसे सरकार की मुफ्त बिजली योजना से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि इन महीनों में आम तौर पर कर्नाटका में बिजली संकट नहीं होता। किसान परेशान है। अब देखना है कि दूसरे राज्यों से बिजली खरीदने की सरकार की कोशिश कब कामयाब होती है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया।